जिन्नी देर तक दिल की सफाई नहीं उन्नी देर तक दूजे विच देखण दी गल छड्डो अपने जिस्म च नहीं दिसदा वी रब है कि नहीं, क्योंकि मलीनता सानू नज़र नहीं आउण दिंदी। जिथे मैलापन होवेगा उत्थे प्रतिबिंब नहीं दिसेगा, जिथे निर्मलता ही होवेगी उत्थे सच। यही कारण कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी एक बाणी च वचन हुंदा है, कबीर शेख सबूरी बाहरा क्या हज का बह जाए। कबीर साहिब दा इह सलोक है, सबूरी दर ते जिहदे अंदर सिदक नहीं। ते अज सुबह मैं कथा च बेनती कीती सी कि सबर दे अर्थ ढिड दी तृप्ति ते जेब दी तृप्ति नहीं कदी करने। हुण मान लो असीं कह दईए वी सबर आ गया, रज गए पैसे वल्लों, सबर आ गया रोटी वल्लों रज गए, वह गुरमुखे तां गल ही बड़ी छोटी है। मन तां उहो जिहा बेसबर है, सारा समुंदर वी इहदे विच पा दिओ निकम्मा फिर भी कदी नहीं रजदा, इहने कदी रजना जी। सबर तां बड़ा गहरा शब्द है जी, जिहड़ा सबर च चला जांदा है सचमुच रब उहनूं दरिया की तरह खुल्लिया कर दिंदा है। जिहड़ा सबर नूं नहीं कमा सकदा उह गंदे नाले की तरह, टुटे हुए गंदे नाले की तरह बन जाता है। सबर इहो सुभाउ, जेतू बंदा दिड़ करें वध थीवें दरिया वो टुटना थीवें वाहड़ा। बाबा फरीद साहब, मैं फिर विषय ते आवां कि जत कत रमण, तीन हिस्सों से दी मैं कथा करनी चाहना। जिथे कित्थे तू रमिया है, अर्ज मैं कीती मैं अर्थ कर देंगा, प्रमाण देंगा, पर सच ए वे द्वेष की कंध मेरे विच भी है, क्योंकि असी जीव विचरने पे हाँ। कबीर साहब कहिंदे शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए, तू काबे हज करन वास्ते जा रहे हैं, मक्के जा रहे हैं, पर तेरे अंदर सबर नहीं। नाल शब्द वरत्या जाकी दिल साबत नहीं, असी साबत का अर्थ करने मुकम्मल भी ये चीज़ साबत है, पर इत्थे साबत का अर्थ मुकम्मल नहीं, इत्थे साबत का अर्थ सफाई। जिहदे दिल की सफाई नहीं तां को कहां खुदा है, रब उहदे वास्ते कित्थे है। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए, जाकी दिल साबत नहीं तां को कहां खुदा है, जिहदा दिल की सफाई को नहीं उत्थे रब कित्थे उहनूं लभणा है। इहनूं गुरु साहिब ने कहा कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। आनंद साहिब च फिर विषय ते आवां कि जिन्हां दा दिल साफ है, गुरु अर्जुन साहिब सारियां थावां ते देखिया उहनां। इत्थे देखो भाई नंद लाल साहब की एक गजल का शेर है जी, है फारसी में अर्थ कर देंगे सौखे। वह कहिंदे दिल अगर दाना बवद अंदर कनार शी यार हस्त। एक लफज ए दाना का अर्थ हुंदा सियाणा, इहनूं बाणी च वी यह फारसी का शब्द गुरु साहब ने बाणी च बड़ी वरत्या, तू दरियाओ दाना बीना। दिल अगर दाना बवद अंदर कनार शी यार हस्त, जे दिल सियाणा है, सियाणा का अर्थ बोधक सियाणप नहीं, वह सियाणप जिहड़ी नाम विचों पैदा होई है, सिमरन चुक है। दिल अगर दाना बवद अंदर कनार शी यार हस्त, यार का अर्थ उस दिन उसी आपां कीता सी महबूब वाहगुरु। कहिंदे दिल अगर जे साफ है तो प्यारा महबूब वाहगुरु सचमुच दिल दे अंदर है, चश्मगर बीना बवद हर तरफ दीदार हस्त। चश्म का अर्थ अखा। महाराज जी ने कह लगे जे दिल साफ है तो हर पासे ही परमात्मा है, जे अख विचों मैल निकल गई तो चेते रखो रब तो बिना होर कोई कख है ही नहीं। दिल साफ है तो अख साफ है। इस करके एक दिन मैं अर्ज की सी कि बजाए कि एक इंद्रे दे कलपन दी, मेरिया अखा ने, मेरे कन ने, मेरी जीभ है, मेरिया स्पर्शता वाली छकिन है, बस सारिया की जड़ इको जे मन साफ हो गया बाकी अपने आप ही साफ हो जाएंगे। जिस जड़ चो मैल आउंदी पई। दिल अगर दाना बवद अंदर कनार शी यार हस्त, चश्म गर बीना बवद हर तरफ दीदार अस्त। जत कथ रमणंग हर तरफ दीदार अस्त, हर पासे ओख है। थोड़ी जी एक होर बेनती देखो, गुरमत ने परमात्मा की जदों वाहगुरु जी की गल की एक थां मुकर्र नहीं की। पिछले दिन भी कहा कोई धरती की एक थां ते कह दिए भी परमात्मा सिर्फ इत्थे रहिंदा है बाकी थावां ते नहीं। गुरमत कहिंदी नहीं, हर थां ते हर जगह ते। थोड़ा जे समझाने लई गुरदेव ने एक बचन किया है जी बाणी च, ते मन च आउंदा भी परम हस्ती तां एक ही है ना,
ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਰਤੇਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਤ ਕਥ ਰਮਣਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੌਮੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਗਿਆਨ ਖਾਂਡੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ, ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘੜਤ ਕੜੀਆਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਨ ਸੁਮਾਰ। ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਜੀ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੁੱਜਾ ਕਹਿ ਲਾਂ, ਪਾਤਰ ਬਰਤਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁੱਜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕੁੱਜਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਕ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਜਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਕੁੱਜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਕੁੱਜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਲੱਸੀ, ਇਹ ਚਾਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੱਜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਲਟੋਈ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਲਟੋਈ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੁੱਜਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਜਾ ਪਕੜਿਆ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀਰ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ, ਕਦੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੁੱਜੇ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ, ਤੇਰਾ ਕੁੱਜਾ ਸੀਮਤ ਕਹਿ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਸੀਮ ਕਹਿ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਏਗਾ? ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੁੱਜਾ ਪਕੜਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੱਟਿਆ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸਮਾ ਦੇਣਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਅਵੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖੋਕੜੀ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਜੂਗਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੱਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਣਾ, ਕੁੱਜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ,
वाहगुरु मैं बख्श दो। मान लो नेड़े तेड़े धर्मशाला गुरुद्वारा किते भी नहीं, वो बिया बाण विच बैठा होया भी गुरुद्वारे बैठा हुंदा है, क्योंकि उन सर्व व्यापकता कहती है तू कला नहीं, तू सबनी थाई जिथे हो जाई जत कत रमणंग, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जियो। हजूर सच्चे पातशाह जी का बचन है कि चंद्रमा अपनी चांदनी बखेरे है, असमान ते चंद्रमा एक है, ते थले निर्मल पानी नल भड़े कोई घड़े बेअंत ने गिनती कोई नहीं। हुण देखो उत्ते एक ते थले घड़े अनेकां। सतगुरु कहिंदे ने जदों चंद्रमा असमान ते आए ते हर एक घड़े दे उपर जिहड़ा ढक्कण कह लो चपणी कह लो जिहदे नाल ढक्किया है उहनूं हर एक घड़े दे उपर वाला ढक्कण उतार दिओ। असमान वल देखोगे ते चंद्रमा एक दिसेगा, जे घड़ियां विच झाती मार के देखोगे हर घड़ी विचों प्रतिबिंब दिसेगा। ये सिर्फ एक उदाहरण है, पर रब चंद्रमा वर्गा नहीं, वह तो नमो चंद्र चंद्रे है। हजूर ने शब्द वरते आ, कह लगे खब समाणी जोत जत कत रमणंग। तीन खीचियां से अर्थ कर रहे हैं, हब समाणी खब दर ते सारे सारिया भी तो समाया है। हब समाणी जोत ज्यों जल कटाऊ चंद्रमा, जिमें पानी दे भरे कोई घड़िया विच एक चंद्रमा सारिया थावां ते प्रतिबिंब दिसदे पए ने। सच एवे कि एको ओंकार परमात्मा एक हो के अनेकता विच झलक दिंदा है ते अनेक हो के फिर एक हो जाता है। थाए अनेका च हब समाणी जोत ज्यों जल कटाऊ चंद्रमा, प्रगट थिया आप नानक मस्तक लिखिया। एदी लखता भी उहनूं पैंदी जिहदे मस्तक दे तू लेख लिखे आ। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब पहला बचन च करदे आ जत कत रमण, जिथे किथे परमात्मा तू रमिया होया है। जै जै पेखूं तैं हजूर दूर कतों ना जाई, रब रहा सरबत्र मैं मन सदा त्याई। सारिया थावां ते है, ईत ऊत नहीं बिछुड़ै सो संगी गनिए, बिनस जाए जो निमख मैं सो अलप सुख भनिए। वो ऐसा हुण ये उदाहरण असी चंद्रमा की दिती है ना जी, पर चंद्रमा तो दृष्ट मानदा जी। मैं ता क्या जिहड़ियां उदाहरणां बाबा जी देंदे ने वह उदाहरण दे के कहिंदे ने सिर्फ तेरी समझ इत्थों तक, मैं ता तैनूं कह रहा उस तो अगे है। चंद्रमा सिर्फ दिसदा पिया सानूं बॉडी करके, ते जिद्दन शरीर छड्डांगे उद्दन चंद्रमा किथे? वह तो उत्थे भी है जिथे शरीर नहीं। हजूर ने कहा जिथे किते देखना मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर आप रमे है। जत कथ रमणंग, जिथे किथे भी तू आप ही व्यापक है। कोई थां ऐसी नहीं जिथे तेरा नूर नहीं, जिथे तेरा वजूद नहीं, जिथे तू अपनी कृपा नहीं वरतांदा पिया, हर थां दे विच तू ही है। एक बचन होर सतगुरु का पढ़ के फिर एक हो के बाहर दे ढांचे वखरे वखरे आ। आ बनस्पति, आ पहाड़ साडे सामने, पंछी पशु, ये जो कुछ वजूद तो वखरे वखरे आ ना, पर वह इन्हां दे विच भी सच एवे कि सारियां थावां ते आप ही वरतदा पिया है। एक हो के सारियां विच सर्व व्यापक, जिवें सतगुरु जी ने बाणी च कहा जल थल मैयल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया, अनेकां तरीकियां नालों पसरिया होया, अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। एक अंकार परमात्मा अनेकां तरीकियां नाल सारियां थावां ते पसरिया। इसनूं सतगुरु ने बाणी च कहा अमान कहें निदान कहें अनेक हैं फिर एक हैं। थोड़ी जी बेनती सुनियो मेरी, आ गुरमत ने सानू बख्शिश दिती। कहन लगे किसे दी चमड़ी दा रंग मत देख के कह भी इहदे च रब नहीं, किसे दी जात नू किसे दी अग्ञानता नू देख के ये मत कही कि इहदे विच परमात्मा नहीं। हर एक विचों व्यापक है। फिर मैं बेनती करांगा व्यापक दी लखता उह किरपा करे दिता। रंग काला चिट्टा भूरा कणक बिना हो सकदा है, परमात्मा तो उन्हां विच भी वरदा पिया है। भाई साहब ने बड़ा सोहना एक बचन कहा, भाई गुरदास साहब ने, वो कहिंदे आ
शायद ये तो पता ही होना है कि जिन्ना गावां मज्जां दा आपां दुध चोने उन्हां दी स्किन दा रंग इको जिहा थोड़ा हुंदा है। कई गावां दा चमड़ी दा रंग काला है, किसी दा रंग भूरा है, किसी दा लाल है, किसी दा चिट्टा काला ते लाल जिहा भासदा है कि जिहड़ी गां काले रंग दी स्किन वाली है उन्हूं जदों चोवांगे उहदे दुध दा रंग काला निकलेगा। जिस गां दी चमड़ी दा रंग लाल है कि जदों उन्हूं दोहांगे उन्हूं चोवांगे तो उहदे दुध दा रंग लाल निकलेगा। उन्हां दी चमड़ी दे रंग वख हो सकदे आ पर सच ये वे कि दुध सारियां गावां दा श्वेत सफेद चिट्टा ही होवेगा। इस रची हुई सृष्टि विच शरीर दे अंगां दी बनतर शकलां सुभा वख वख हो सकदे आ पर परम जोत सारियां विच एक ही वरतदी है। भाई साहब ने लिखा है जी कि गाई रंग बिरंग बहु दुध उज्जल वरना। गावां रंग बिरंगियां ने पर दुध कदी रंग बिरंगा नहीं हुंदा। तां बेनती की पहली इस अज दे शलोक का जिहड़ा विशा सी जी वह यह है कि पार ब्रह्म परमेश्वर वाहगुरु वह जत कथ रमणंग जिथे किथे भी देखना। गुरु अर्जुन देव महाराज कहते तू आप रमिया है। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। पर हो सारिया थावां ते इस तो अगला बचन है उत्ते आप देख रहे हो जत कथ रमणंग क्योंकि विश्राम एक उत्ते गलत लगा उत्ते जत कथ रमणंग जिथे किथे तू रमिया है। सतगुरु शब्द वरत रहा अगे के शरण शरण सरबत्र जीण है। शरणंग का अर्थ है आसरा अर्थ असी किते ने सरबत्र का अर्थ है सारे ते जीण का अर्थ है जीव। परमात्मा तू सारियां थावां ते रमिया है ते जिन्ने भी सृष्टि के जीव ने परिपूर्ण परमात्मा सच एवे तू सारियां जीवां नू आसरा देण वाला है। सारे जीवां दी शरण तू है। इत्थों तक जिहड़े नहीं जपदे उहनां नू भी शरण दिंदा है, जिहड़े नहीं मनदे उहनां नू भी शरण दिंदा है। कोई जीव ऐसा नहीं जिहड़ा उहदी शरण तों विरवा होवे। उह हर एक नू अपनी शरण विच रखदा है। आओ थोड़ा जिहा असीं बचन पढ़िए उन्हें किहड़ा जीव जिन्हों सहारा नहीं दिता। भगत धन्ना जी का राग आसा विच अमृत बचन है कि पार ब्रह्म परमेश्वर हर जीव नू शरण दे रहा सहारा दे रहा है। भगत साहब जी ने फरमाया उन्होंने तीन बचन कहे है जी। एक विच इंसान का जिक्र किया, एक विच उन्होंने कीड़े का जिक्र किया, ते एक विच टेढ़ी मेढ़ी जून विच विचरन वाले कछू कुमी का जिक्र किया। पर सिर्फ इस करके शब्द ओही बाणी दे रहेंगे कि प्रभु कल्ला सानू थोड़ा है। पिछले दिन भी दास बेनती की कि गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गुरबाणी च वो इन्ना दयालु है जो कोई सानू देंदा वो इस करके नहीं देंदा तुसी मैनू वापस की दोगे। की परमात्मा आस करदा सी कि वापस दे सकने, साडे कोल कोई समर्था नहीं। वो आस भी नहीं करता। उंज दुनिया विच कोई बंदा भी इस दृष्टमान विच कोई खरिया बूट रहो रही उंज कोई बंदा भी किसी की हैल्प करता बहु गिनती च पुरना एवे इस परोपकार के बदले मैनू कोई जरूर मिलेगा। नगन नू कपड़ा दे रहा इस आस नाल मेरी पत टक्की रहेगी। लै रहा ना कुछ जे गुरु साहब के दर ते भी आउंदा है। ते बाबा जी ने तो इत्थों तक एक शब्द वरत्या बड़ा व्यंगमई है, तो व्यंगमई पर है सच। कहिंदे ने गुरु नू रब नू धर्म नू दान देंदिया एक रुपया कह लो चलो डॉलर कहो रुपया कहो एक देंदा है ते फुरना बना के कहिंदा परमात्मा सुनिया कि जिहड़ा तैनू देंदा तू इहदे बदले हजार बना देना। दे रहा पर लैण दी बिरती है जी। गुरमुख रब जो देंदा वह लैण दी बिरती नाल ही देंदा। देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै। ओ विगसै दर ते खुश हुंदा है जीव ओदी दित्ती कोई दात नू खांदा है माणदा है। ओ उलामा नहीं देंदा सगो प्रसन्न हुंदा है परमात्मा। फिर मैं बेनती करांगा कि पार ब्रह्म परमेश्वर कुछ भी देंदे ने वो सानू वपारी की तरह नहीं देंदे पे
कि मैं तेनू दिता ता मैनू तू देगा। शब्द मैं बेनती आप जी कर लगा कि गुरु नानक साहब का शब्द है, कोई भी किसी नू कोई देंदा आसा की वार का वचन ने, दे दे मंगे सहसा गुणा। सहस का अर्थ है हजार, उंज गुरु ग्रंथ साहब के पाठ विच सहस का अर्थ तोखला भी है। दे दे मंगे सहसा गुणा, देंदा एक गुण है, मंगदा हजार गुण है, ते उस तो बाद लह के जड़ा एक गुणा दिता है उहदे बारे कहिंदा मेरा जरूर लोगों नू दसो। इस तरीके कई थावां ते झगड़े हुंदे आ गुरुद्वारे, मान लो जे पैसा दिता होवे किसे, उंज ते वैसे मैं तां संकोच करना गुरु नू किहड़ा जम्मिया जी दान देण वाला, गुरु रहमतां वरतांदा है। देंदा एक गुण है, मंगदा हजार गुण है, जो रब ने हजार वापस दिता है उहदा शुक्र नहीं करदा, जिहड़ा अपना एक दिता है उहदे बारे कहिंदा सारिआं नू दसो। महाराज कहिंदे ने दे दे मंगे सहसा गुणा शोभ करे संसार, रब किहड़ा कहिंदा मेरी शोभा करो। जे मान लो असी सारे कह दे असी परमात्मा का चिंतन नहीं करते, असी नहीं मानते जी, चेते रखियो साढ़े नाम मनण नाल उहदा कुछ भी नहीं विगड़ना। उहदी हस्ती नूं कौन चैलेंज कर सकदा जी। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे ने मैं फिर बेनती करांगा, जथ कथ रमणंग सरबत्र शरणंग सरबत्र जीअण है। जिन्हें जीव ने परमात्मा तू कृपा करना, तेरे च इन्नी ताकत है, तू सर्वत्र नू अपनी शरण में रख सकना। सकना की रखना है, मैं वह शब्द पढ़ देना, रेचित चेतस की ना दयाल दमोदर बिबे न जानस कोई भगत धन्ना जी। तो वह भगत जिन्हें सचमुच हल बांधिया रब नू प्रकट कर लिया। मैं एक बार अर्ज की, मैं एक दो बारी उन्होंने स्थान पर कथा करके आया, राजस्थान तुआन भगत धन्ना जी का थान, अजे भी उत्थे किक्कर खलोते आ जी, एक खूह है, चलो गुरसिखां ने बहुत सोहना स्थान बना दिता है, तो कई बिघे जमीन अजे भी भगत जी के नाँ पर बोलती है जी, भगत धन्ना जी ने बहुत दूर। जब उत्थे जा के वेख्या सवेरे, मैं एक बार अर्ज की सवेरे अमृत वेले उठे इशनान पान करके दिल किया चल मना, धरती तो उही है ना जिथे भगत ने हल वाया है। उत्थे एक ही गल आई कि भोला पाओ गोबिंद मिलावे, चलाकियां ज्ञानपुरा जिन्या को वाहगुरु बख्श दे, आपां स्टेजां ते कर कलाबाजियां खेडने रब वेंदा नहीं पिया। सच इह वे अग्ञानी नू ज्ञान कोणा बहुत सौखा, जे ज्ञानी नू ज्ञान देना बहुत मुश्किल है। उहदे वस दा रोग नहीं, क्योंकि उहदी ईगो जिहड़ी है दूजे नू स्वीकारदी नहीं। अज वी मैं कह रहा सां सचे जिस बंदे नूं बोलन दा झस पै जाए ना, तो दूजे नूं उपदेश देण दा झस पै जाए, वह इन्ना कु कमला हो जाता, लंघदे राहियां नूं वी उपदेश दे जाता है, क्योंकि उहदा ज्ञान इस ढंग दी उहदी बिरती बन जाती। हुण उस थां ते बैठा वह भगत रब नाल परमात्मा नाल गलबात करदा है। मैं शब्द पढ़ रहा, चित चेतस की ना दयाल दमोदर बिबै ना जानस कोई शरण सरबत्र। परमात्मा तू सारे जीवां नू अपनी शरण च रखना, गल आप कर रहे हैं, बिबै न जानस कोई जे धावै ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई। बचन है जननी केरे उधर उदक में पिंड किया दस द्वारा, तू किन्ना समर्थ है, किनिया मातावां ने मनुखी शरीर की गल करा। कलिए थोड़ा आप कहेंगे भी माता दे उधर भी जरा शब्द पढ़ने, माता के उधर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो बसारी है, ज गुरु गोबिंद सिंह का बचन और की बात कहाँ कहतो सो पेटी के पट बीच पचावे, कल सिख बीबिया बचाता रब। उत्थे महाराज ने थोड़ा कह एक कम्यूनिटी के घर जे न्याणे पैदा होंगे ने रब उन्हां मावां बचाता है, वह नहीं, गुरु साहब कहें इस संकीर्णता तो उपर उठे तोड़ इस कंध नूं कि कला मैं परमात्मा तां जिथे भी मनुख जन्म दिंदा है, नास्तक दे घर भी बच्चा पैदा हुंदा है, गुरु ग्रंथ साहिब मुताबक रब तां उस बच्चे नूं ही मां दे उदर विच संभालदा पिया है, वह सब नूं संभालदा। इत्थे महाराज ने सरबत्र जीणा लिखिया, यह थोड़ा लिखा भी सिर्फ भगती करन वाले नूं संभालदा, शरण सरबत्र शरणंग सरबत्र जीणा। महाराज शब्द वरते आ कि जननी केरे उधर उदक में पिंड किया दस द्वारा, आ दस दरवाजिया वाला साडा पिंड आ नगर बना दिता, दे आहार अग्न में रख है ऐसा खसम हमारा, मेरा वाहगुरु एक हो जा मेरा मालिक है कि उत्थे जीव दी रख्या करदा, उहदी शरण
विच पैर नू संभालदा है, यह मनुखी शर्म की गल। दूजा वचन है महाराज का, कुम्मी जल में तन तिस बाहर, कछु कुम्मी पानी विच आंडे उहदे रेते च। दोनों का आपस में संपर्क को नहीं शरीरक तौर पर, जिमें मुरगी जा बाकी पंछी इं कह लो आंडिया उत्ते बहिंदे आ, कछु कुम्मी आंडिया उत्ते थोड़ा बैठती, सपनी भी बहिंदी है जी, पर सपनी आंडे ते बह के जिदन न्याणे जमदी उन्होंने खांदी। महाराज ने कहा सरपन होए कै ओतरा जाए अपने खाए, ये वैसे ये अर्थ ने। वह महाराज ने टूने हारियां बीबियां नूं कहा जी गुस्सा ना करियो बीबियो भैनो, जिन्ना कर संतान नहीं वह मसान जगांदियां सन कि फलाने का बच्चा मर जाए मेरी कुख नूं भाग लगे। गुरु कहिंदा नहीं, अगला जन्म सपनी बन के अपने जम्मिया नूं खुद खाएगी। ये पाठ कदी पढ़ियो, कबीर हर का सिमरन छड़ के रात जगावन जाए, सरपन होए कै ओतरा जाए अपने खाए। पता क्यों खाँदी, जदों सपनी आंडिया ते बहिंदी खुराक कोई नहीं खाँदी, जिन्ने दिन बहना खाना कुछ नहीं, तो जिदन न्याणे पैदा हुंदे ने आंडे चों उदन इन्नी भुख नाल कल्प जांदी है अपने जम्मिया नूं खाण लग पैंदी है। पर मैं बेनती करांगा कछु कुमी आंडे ते नहीं बैठती, उन्हां दोनों का संबंध कोई नहीं, पर शरण सरबत्र जीण है। आंडा रेते च पिया मां किते, पर परमात्मा सच एवे के उस कछु कुम्मी दे आंडे विच पलदे हुए बच्चे नूं एनर्जी दे रहा है। कुम्मी जल में तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही, शरणंग सरबत्र जीण है मेरे मना समझ। कछु कुम्मी केड़ी माला फेरदी पई, वह तां उहदे बच्चे नूं ही संभालदा पिया, क्योंकि वह अपना सुभाअ नहीं चेंज करता। इस तो अगली बेनती कि गुरु साहब ने जिहड़ा तीसरा वचन कहा जी, पाखन कीट गुप्त होए रहता, पत्थर दा कीड़ा बिल्कुल गुप्ते दिस नहीं रहा, नज़र भी नहीं आता, तांचो मार्ग नाही, पर पत्थर विच तां सुराख भी कोई नहीं दिसदा कि सुराख च आटा ही भर दिओ कीड़ा खा लै, चौलां दे दाने पी के पा दिओ शहद खा लै, पत्थर सुराख नहीं। पाखन कीट गुप्त होए रहता, तांचो मार्ग नाही, कह तन्ना पूर्ण ताहू को, मतरे जी डराही कमलिया मना, क्यों डरना पिया, शरणंग सरबत्र जीण है, वह पत्थर दे कीड़िया नूं आसरा दिंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जदों जफरनामा लिखिया ना, वो हजूर का दूजा शेर कदी पढ़ियो, हाँ जिन्हें जिन्हां ने पाठ किया होना, आमां बख्श बख्शंदा है ओ दस्तगीर, शरणंग सरबत्र जीण है, आमा बख्श बख्शंद है ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देखो दिल पजीर। फारसी दे लफ्ज ने जी अर्थ बड़े सौखे आ, अमा बख्श, अमा बख्श का अर्थ है शरण प्यां दी लाज रखण वालिया, तू शरण पालक है, जेड़ा तेरी शरण भी जांदा तू संभालिया। अमा बख्श बख्शंद है, अमा बख्श का अर्थ शरण बख्शन वाला, बख्शंद का अर्थ है कृपा करन वाला, ओ दस्तगीर, दस्तगीर का लफ्जी अर्थ हुंदा है हाथ पकड़न वाला, शरण प्यां नूं रखण वालिया, बख्शिश करन वालिया, हाथ पकड़ के चुकन वालिया। कहन लगे कि तू सब ते बख्शिश करना है, अमा बख्श बख्शंद है ओ दस्तगीर, खता बख्श, तू साडे गुनाह वेखना रोज वेखना, रोजी देखो इन्ना शरण पालक। सचमुच मैं उदन कहा सी, मां बाप भी कुछ क दिन बच्चे दे गुनाह वेखण, एक दिन वह भी कहिंदे निकल जा घरों बाहर, अज तो बाद ना वड़ी, रब जी तेरा क दिल किड्डा को वड्डा है, तू खता बख्श रोज, गुनाह वेखना फिर भी बख्श के रोजी दे जाना है, खता बख्श रोजी देखो, दिल पजीर, तू दिल नू प्यारा लगना। इत्थे एक होर बेनती आप जी नू करदे आ, असी बड़ा डरा दिंदे आ बंदिआं नू, याद रखियो गुरु भुले नूं बख्शदा, बंदा बंदे भुले नूं कदी नहीं जे बख्शदा, ते इहदे ते आस भी ना कदी करियो। ते जे ए गिनती करांगे भी इन्ने कु लोक मैनूं बख्शन मेरे हक च ने कि नहीं, ए गिनती मिनती ना करियो, रब बड़ा बख्शन दे। भगत सदना जी ने शरण ते एक शब्द लिखिया, वह शब्द की जिहड़ी आरंभता है वह पुराणक कहानी नाल हुंदी है, नृप कन्या का कारण है, एक भया भेख तारी, कमारती स्वार्थी वाकी,
पै सवारी ये है पुराणिक घटना कहानी। कई बार हुण इहनूं सुणांदे नहीं, सीधी जी गल कर दिंदे आ वी राजे की इस्तरी की खातर तू कमारथी का काम सवार। अगला पुछे भी राजे की इस्तरी के वाहगुरु राजे की बेटी की खातर कौन सी? असल च राजे की बेटी ने प्रण किया मैं विष्णु नाल ही शादी करनी है। वाहगुरु मैं बेनती करांगा ये एवें जो गुरु साहब ने जे अंकित कर दिता है अपनी मर्जी नाल उन्हां घटनावां नूं अखां तोले ना करिए। जे गुरु साहब मत्था टेक दिता गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु अर्जुन देव ने आप उन्हूं छेती संगत सुनाउण नूं भी तैयार नहीं होंदे क्योंकि दूजी कम्यूनिटी नाल जुड़ी घटना है ना। उन्हें कहा भी मैं उहदे नाल शादी करनी। एक लंपट बंदा, कामी बंदा, स्वार्थी बंदा, गंदी बिरती ते सुरती वाला बंदा, उन्हूं पता लग गया, उन्हें भेख कर लिया, पखंड कर लिया जी मैं अवतार हाँ। वो बच्ची भी प्रभावित हो गई, विआह हो गया। उस राजे ते दूजे राजे ने हमला कर दिता। वो राजा बेफिक्र कहिंदा मेरा जवाई विष्णु मैनू कहड़ा हैरान वाला, हुण उस पखंडी सच्चे उस परपंची ने जदों मुसीबत आई उन्हें कहा भी कर मेरी मदद, तू समर्थ है। कहिंदे ने वो पखंडी जिहड़ा कामी सी स्वार्थी सी उन्हें रब नू खोका दे के क्या परमात्मा भेख मैं तेरे नाँ ते कर बैठा हाँ, मैं झूठा ते कपटी अत दा कामी आ, हुण एक काम करी अपने नाम की लाज रख ले। मैं कहना एड्डी वड्डी गल भगत जी ने कही क्योंकि उन्हां नू समाज ने कहा सदना जी कसाई सन तेनू नहीं रब ने बख्शना। उन्हें फिर एक तरला मारिया परमात्मा मैनू एक गल दस, जे एक राजे की बच्ची की खातर कामी बंदा स्वार्थी बंदा पे कर द तू कृपा करके उस कमारथी दी भी पत रख लैना, मैं तो बाहवा खड़िया करके मानना पा मैं गलती की थी, मैनू शरण च नहीं रखेगा। वो शरण च रखता है। गुरु साहब का वचन है नृप कन्या का कारण है एक भया भेख धारी कामारथी स्वार्थी वाकी पै सवारी पै दर्ते तो उसकी इज्जत बचा दी। तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नस है, जे तेरी शरण भी जाके भी भैड़े कर्मां दा नाश नहीं होना। तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासै सिंह शरण कत जाइए। जो जंबुक जंबुक दर्द हुंदा गिद्दड़, जे शेर दी शरण च खलो के भी लोग कहण बच के रही गिद्दड़ ना वढ जाए, कहिंदे फिर शेर दा मतलब की होया। मैनूं लगदा भी सिद्धियां जिहां गल्लां रब ना कीतियां ज्ञानियां वाल नहीं कीतियां, पदत पावन कृपा निधान भगत वच जे आपां वरतने आ दीना बंधु किन्ने शब्द वरतने। उन्हें सीधी जी गल कही कहिंदा मैं कर्म माड़े कीते पर मैनूं एक गल दी समझ नहीं पैंदी, तू शेर खैं कीते हो कर्म गिद्दड़ ने, जे तेरे नाम दी शरण विच शेर दी शरण विच जाके कर्म गिद्दड़ां तो डरना फिर तेरे नाम दा फायदा की? दूजा वचन पानी दी खातर तरसना, सहकना मैनूं पपिया वा पानी मिल जाए, एक बूंद सिर्फ एक बूंद लई, जे मरण तो बाद तू मोले तार बारिश करानी है कराई जे मेरे फायदा की? मैनू तां जिउंदे नूं स्पष्ट कर। ते कई वारी सोचना दी भगत जन महापुरखां ने बड़े सीधे शब्द वरते, कहिंदे ने एक बूंद जल कारण है चातुर्क दुख पावै प्राण गए सागर मिले फुन काम ना आवै। प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बरमाऊं, बौड़ मुवै नौका मिले कहो काहें चढ़ाऊं। मैं नाहीं कछ हौ नहीं किछ आए ना मोरा, मैनू पता है तू शरण परिया दी रखना अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तौरा। बेनती है जी प्रभु सर्वत्र रमणग है पहली गल, दूसरी मैं अर्ज कीती ओ शरण पालक है ते ए नहीं आस रखदा मैं तेनू दे रहा तू की बदले दे देंगा। गुरु गोबिंद सिंह दा वो बचन अकाल उस्ताद दा काम ना क्रोध ना लोभ ना रोग, काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना पैख है। ये कोई है उहदे अंदर? जिहदे च लोभ होवेगा उही कहेगा ते बदले की देंगा, जिहदे च मोह होवेगा उही पकड़ रखेगा। काम दर ते लफ्ज़ कामना है जी, काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना पैख है। देह विहीन अपना शरीर कोई नहीं, स्नेह सबोतन सारे शरीरां नूं प्यार प्या करदा है। शरण सर्वत्र जीहण है महाराज कहें देह बिकीन स्नेह सबोतन नेह बिरकत अगे अछय है। अपना घर कोई नहीं तो जीवां दे घर पिया बनाता है, उन्हें नाश नहीं कदी होना। नेह बिरकत अगे अछय है जान को देत
जानकार विद्वानों भी देना है। प्यारो अज्ञानियों भी सामदा पे, जान को जेत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे है, काहे को डोलत है। हाँ नहीं, इतने विश्राम लाना है। काहे को डोलत है, तू क्यों डोल रहे हैं? तुमरी शुद्ध सुंदर श्री पद्मापत लेख है, तुमरी शुद्ध दा अर्थे खबर, तेरी खबर परमात्मा क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उन्हों कोई दुनिया दा तमा है ही नहीं। सतगुरु कहते ने ओ शरण परे दी रखदा है। फिर बेनती करांगा, जाथ कथ रमणंग, जिथे किथे वेखना परमात्मा तू रमया है। दूसरा सी बचन लिया शरण, सरबत्र जीवन है, जिन्हें भी जीव ने सारे जीवन तू सहारा देने वाला है, सबनों आसरा देना है। तीसरा बचन महाराज कर दिया कि भाई सजना कि तथ, तथ का अर्थ है उस नाल, तिस नाल लगनंग प्रेम नानक पोथी ते इत्थे विश्राम दिता होया जी। तथ लगनंग प्रेम नानक, तन गुरु अर्जुन साहब बचन कर दिया ऐसे दीन दयाल रब नाल प्रेम कदों लगता है? तां लगेगा जी किवें? महाराज कहिंदे ने प्रसादंग गुर दर्शने, प्रसादंग दा सी रोज अर्थ करने, प्रसाद अर्थ किरपा, गुर दर्शने उस रब नाल उस शरण सूरे नाल मोहब्बत तां लगे जी जे गुर प्रसाद होवेगी, तां जे गुरु किरपा करेगा उहदे नाल प्यार बनेगा। उस गुरु किरपा तो बिना प्यार किवें बनेगा? तां ही तां गुरु ग्रंथ साहिब विच जदों असीं बाणी पढ़ने आ मन सुक्का जिहा हुंदा जी, कठोर जिहा आलस जिहा मारदा है। जदों निरंतर बाणी पढ़नी शुरू कर देने ना, फिर शब्द साडे अंदर दे खरवेपन नूं ला के अंदरों बिरह पैदा करदा है। जिहड़ा बंदा दुनिया की खातर रोंदा है सचमुच बाणी पढ़दा रब की खातर बिरह च रोंदा है, यह प्रेम गुरु लांदा है। महाराज शब्द वरतिया जी, तत् लगन प्रेम नानक, उहदे नाल प्रेम तां लगेगा जे गुरु किरपा करे। तां ही साहिब ने शब्द वरतिया, कहन लगे कि परमात्मा अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने, ये अर्थ चलो ये तो सब नू चेते भी शब्द, मेरे अंदर सच्चे प्यारे महबूब का प्रेम ला दिता, प्रीतम का प्यार लाया। पर पता किवें लाया जी? अंदर सच्चा ने को लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निखाल जा गुर देखा सामने, मेरा गुरु सामने बैठा उन्हें कृपा की, मैनू प्यारे वाहगुरु जी का प्यार पा दिता है, उन्हें प्रेम पैदा किया। इसे गुरु जी ने क्या भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भगती लाया। गुरु सचमुच परमात्मा का प्यार पाते ने। यही शब्द सोई राग का जिहड़ा असीं पढ़ने, दर्शन प्यासी दिन सरात चितवों आन दी नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे कौ फिरों को जंतिया, तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी। अख चमकण जिन्ना ही गुरु ही प्यार पाता है तो निभांदा भी उही है जी, लग जाए तो निभ जाए। सुन यार खमारे सज्जने करूं बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरों खोजंतिया, तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी। दर्शन दीजै नैन खमारे प्रै रंग रंगारे, एक तिलपी ना तीरी जय प्रभ स्यों मन लीना, ज्यों जल मीना चात्रिक जिवें तसंतिया, जन नानक गुरपूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। साढ़े तवारीख बेअंत उदाहरण ने जी, जिन्हां सुक्यां विच गुरु ने रस भर दिता। मैं हर रोज़ एक बेनती कर रहा कि सिखी खुशक पुणे का नाम नहीं, गुरमत केवल आ बाहर मुखी उगतियां जुगतियां रिड़कन का नाम नहीं, ये तो सचमुच प्रेमा भगती का भंडारा है जी। ते सतगुरु ने जेड़े सिर्फ रब दे नां ते दिमागी मंथन करते ने, गुरु गोबिंद सिंह जी का असी सवैया इस बार वाचिया जी सैक्रामेंटो, उत्थे मैं एक बेनती की कि जिन्ने मर्जी दिमागी मंथन करन, इवन के रब दे नां ते भी सैमीनार करो, किताबां लिखी जो जे अंदर प्रेम पैदा नहीं होया उहदी कीमत रत्ती जी नहीं पैणी है।
हमारा इदा सवैया श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरियो कर जोग जति के, श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरियो कर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादक संत समूह अनेक मति के, सारी देश को देख रहे हो मत को ना देखित प्राण पति के, श्री भगवान की पाए कृपा। पाठ उते कृपा नहीं कृपा है, पैर चरा रहा है। श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के, एक रति बिन एक रति के। भावें यदि व्याख्या बड़ी डिटेल नाल मेरा ख्याल डेढ़ घंटा दो घंटे की सी, पर मैं बेनती करांगा आ गिन लो सारे, ये निंदिया चल जायो। प्रेम तो गुरु पैदा करता है जी, सतगुरु ही सुक्या नू खरिया करता है। प्रोफेसर पूरन सिंह कहिंदा सी रब की प्रीत सदा बसंती, रब की प्रीत ठंडिया हवावां है, परमात्मा की प्रीत ओ अदृष्ट खिच है जड़ी करोड़ा जन्मां दे सुके होए नू नाम दे नाल भरपूर कर देंदी है। उस प्रीत की कीमत कोई पा सकता है जी? हुण इह सवैया श्रावक शुद्ध समूह सिधान के अर्थ बड़े सौखे ने। बोधी भिक्षु ते जैनी सरेवड़े, अपने आप नू पवित्र कहण वाले, अमृत पीण वाले अनेकां बंदे, महाराज कहिंदे जोगी देखे जति देखे। पर यह गल सच है कि परमात्मा नू मुहब्बत करन तो बिना एक रति बिन एक रति के, जे रब च नहीं प्रेम च नहीं रते तो साडे कर्मां दी कीमत रत्ती जिन्नी पैणी है। गुरु घर प्रेमियां दा घर है, सुक्का नहीं है। मैनू याद है कि जेडे श्री हरगोबिंदपुर साहब गए होणगे ना, उत्थे जिथे सतगुरु का स्थान है श्री हरगोबिंदपुर, उत्थे शायद जानी शाह का स्थान भी है। ये मुसलमान होया जी, तो इनू थोड़ी जी चिनग लग गई रब नू पाण दी, ते पुछे एक हरक तो मैं किवें पा सकना। एक मुसलमान होया ए शायद ख्वाजा कश्मीरी उन्हों कहिंदे सन, ये जदों विरह होया बेचारा तुरिया सारिया थावां ते पुछे भी कोई मैनू रब नाल। ते उंज वैसे मैं बेनती करा, जदों भी वाहगुरु किसी अंदर चिनग लांदा है वो सच्ची मुची तरला मारदा, कोई है जड़ा मैनू मिला दे जिन्हू मैं पुकारना पिया। मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बतावो मार्गम पीछे लाग चली। कोई रस्ता दसे कोई आन मिलावे, ये कले एवें थोड़ा कविता थोड़ा रची, ये अवस्थावां ने। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हूं, तिस पै आप विचाई दर्शन खर देखन कहताई, किरपा करे ता सतगुरु मिले खर हर नाम त्याई। वो ख्वाजा कश्मीरी कोल गया शायद जानी शाह, उन्हूं पुछदा भी मैं अल्लाह रब नूं मुहब्बत करना पर मेरा अंदर सुक्या रहिंदा। ते ख्वाजा कश्मीरी जेड़ा है इहनूं गुरु हरगोबिंद साहिब दे दर तो बख्शीश मिल चुकी सी। उन्हें कहा मैं थां थां ते छप्पड़ां ते ना टुब्बियां मारदा, फिर आ तेनूं मान सरोवर दी दस पां गुरु नानक साहिब दे तखत दे वारख, दो कृपाना पाण वाला, सीस ते कलगी लाण वाला, तख्तां ते संतान पुत्रां विच बहण वाला गुरु हरगोबिंद साहिब दे चरण पकड़दा। वो कहिंदा दो कृपाना वाला, ये चला गया जी महाराज कोल। ते सतगुरु कोल जदों गया हुण अंदर तां बन चुका सी, इहदे अंदर इन्ना बिरहा उठिया, इहदा नाम सी जानी। साडे इतिहासकार कहिंदे ने इह गुरदेव दे चरणां च डिग्गिया ते इक्को गल कहिंदा, बाबा जानी को जानी से मिला दो। इहदा जानी दा अर्थ प्यारा ना, कि जानी को जानी से मिला दो। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब ने कोई ध्यान नहीं दिता, इन्हें फिर तरला मारिया पर बह गया जी महाराज दे बूहे ते। इको शब्द जदों किसी सिंह ने लंघना, सिख ने लंघना, जानी को जानी से मिला दो। महाराज नूं सिखा कहना, महाराज वो रोज़ बोलता पे है, सतगुरु कहिंदे उहदे अगे कंध चुण दिओ जे रौला पाउंदा है तां। अगे मतलब उहदे उह बैठा ते अगे कंध बना दित्ती, कंध दे उल्ले भी बोली जा जानी को जानी से मिला दो। किन्ने दिन लंघ है, क्योंकि बिरहा दा शब्द गा लेना, बिरहा दी कथा कर लेनी गुरमुखो बड़ी सौखी। जे मैं एक दिन कहा सी गुरबाणी च एक शब्द वरत्या उमरथल,
जिन्हों आप ट्यूमर कहने जिदे सिर च ट्यूमर हो जाए उन्होंने पुछो चीज की है, दूजा का कहता रात सौन नहीं देता मैं। बिरहा तो एक ट्यूमर की तरह है, जिन्हों अंदर उम्र थल सही जानन सूलियाँ, जिन्हों अंदरों चीज है। बाकी वास्ते तो यही कहना एवं जी आ जानी को जानी को मिला दे कथा करता रहा। यह समस्या सोकत जाने पीर पराई जाकै अंतर दर्द न पाई, शह की सार सुहागन जाने। उन इको शब्द क्या जानी को जानी सो मिला दो, बड़े तरले किते। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब ने घोड़े दियां सुम्मां मरवाईं, कहिंदा चला जा तू, कहिंदा नहीं बाबा मैं तेरे दर ते आया आस करके। ये चेते रखियो मुरशद की मर्जी उन्हें परचा किहो जा पाना है, साडा सिलेबस नहीं, सिलेबस उहदा चलेगा। कदी चिक्कड़ चो कौले कढ़ांदा है, कदी थड़े बनवांदा है, कदी लाहौर भेज दिंदा है, ते कदी आनंदपुर की पहाड़ी ते खलो के कहिंदा कोई है सिक्का बेटा जो शीश करे बेटा। ये तो उहदी मर्जी है ना, असीं कौन आ सिलेबस बनाने वाले, ते असीं सिलेबस बना के गुरु नूं दसन लगे हां आ करी तू, नहीं नहीं उहदी मर्जी है। उन्हें शब्द कहा मैनू मिलाओ सतगुरु, जो लंघे उन्हें फिर तरला मारिया बाबा जानी को जानी से मिला दो। गुरु ने कहा नेड़े हरगोबिंदपुर साहब के नेड़े दरिया है जी सतलुज। महाराज ने कहा जा दरिया च डुब मर जे रब नू मिलना चाहना था। उन्हें कहा बस यदि तो इंतजार सी। वो लोगों कहा तू रब नू मिलना, कहिंदा रब कौन कह की कह मैनू कुछ पता नहीं, जिदे मुंह वल मैं बचन सुनना आ, जे मैं डुब मरो कहते दे डुब मरन विच भी रब मिलेगा। वो दौड़ पिया जी, उन्हें छड़िया वो नचदा जाए कहिंदा शुक्र रब दा कि मैं मिलन वाले मेरे मुरशद ने कहता डुब मर। महाराज ने पिछों फड़ लिया, जदों चरणा च डिगया बस सिर ते हथ रखिया आगम निगम की सोझी हो गई। मैं एक बेनती करांगा, ये प्रेम गुरु की कृपा न लगता है, प्रेम दियां गल्लां नाल प्रेम थोड़ा लगता हुंदा है। इश्क तां रब दी दात हुंदी है, पर मैं बेनती करा इश्क मजाजी नहीं, इश्क हकीकी। जदों किसी नूं रब बख्शदा वो फिर यही तरले मारदा है कि रहन बबीहा बोलियो मेरी माही। गुरु नानक साहब रात नूं पपीहा बोलिया ते मां ने कहा पुत हुण तां चुप कर। कहिंदे ने मां आ किहड़ा सौं गया जिहड़ा बनेरे उत्ते बैठा है। ये भी अद्धी रात नूं पुकारदा गुरु बख्शिश करे। इस श्लोक दे थोड़े जे अर्थ मैं फिर कर देना। जत कत रमणंग शरणंग सरबत्र जीअण है, तू सारियां थावां ते रमिया है, सारे जीवां नूं अपनी शरण च रखना। ते महाराज कहिंदे ने तत् लगणंग प्रेम नानक, उहदे नाल प्रेम कदों लगेगा किवें लगेगा। सतगुरु कहिंदे ने प्रसादंग गुर दर्शन है, जदों वाहिगुरु जी दी बख्श गुरु मिले गुरु दे दर्शन उहदी कृपा। इन्नियां कु बेनतियां स्वीकार करियो, मैनूं दित्ता होया समा समाप्त है। मेरी मजबूरी सी जी मैं इह सबजैक्ट पूरा करना सी। दोनों परिवारों नूं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब बहुत बख्शिश देण, जिन्हां ने गुरमुखां ने ये गुरमत समागम उलीके ने सतगुरु तरस करे। गृहस्थ एक बड़ी वड्डी रब की दात है। चलो अज लावां च सब कुछ दस्या होना, चार लावां साडी जिंदगी दे अंदर दे चार पड़ां ने। प्रवृत्ति कर्म तो शुरू होंदी है, सतगुरु पुरख का मिलाप हुंदा है, चाह ते बैराग तीजी लां लै जांदा है, चौथी च सहज ते आनंद आ जांदा है। दूजी गल जिन्नी परिक्रमा करने हैं, चारे परिक्रमा नहीं, साडिया चार परिक्रमा एवं चार पलवाटनियाँ नहीं, परिक्रमा हमेशा उहदी कीती जांदी जिहड़ा वड्डा हुंदा है। मैं एक बार कहा सी कि संसार दे लफ्ज़ी अर्थ ही परिक्रमा है, घूमना है, जिन्हों आप यूनीवर्स कहिंदे हो इहदा अर्थ भी एक दुआले घूमना है। ग्रैविटी घूमण की ताकत दिंदी, संसार तां है ही ग्रैविटी ते टिकिया, खिच करके एक दूजे दे दुआले घूमदे ने। जदों आनंद केरज वेले लावां हुंदियां ने सच एवे उदों बच्ची ते बच्चा इक्को बेनती करदे ने दाता अपनी शब्द की खिच तो दूर ना करी, गृहस्थ विच चलने आ तेरी परिक्रमा तुहानूं किते दूर हो जाएगी। शब्द का धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।